नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मौनी अमावस्या पर उद्भासित हुआ गंगा सरयू सोन संगम तीर्थ, चिरांद में कुंभ का दृश्य देखने को मिला। पुराण इतिहास की महिमा समेटे सारण छपरा का चिरांद गांव मौनी अमावस्या को विशाल तीर्थ के रूप में दिखाई दिया। आसपास के जिलों से हजारों नरनारी मौनी अमावस्या की सुबह से ही स्नान करने लगे, जिससे यहाँ कुंभ का दृश्य देखने को मिला। अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, बक्सर तथा अन्य अनेक स्थानों से पधारे साधु संत, लक्ष्मण किलाधीश के महंत मैथिली रमण शरण जी, अयोध्या से पधारे आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी, गोधरौली के महंत श्री सरिता कांत शरण जी, महंत जनक दुलारी शरण जी, महंत अमित कुमार दास जी, महंत मिथिला बिहारी शरण समेत अनेक संत महंतों ने भक्त समुदाय के साथ नौकारोहण करने के संगम में स्नान किया और उसके बाद संगम तट पर ही दही चूड़ा का भंडारा संपन्न हुआ। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर चिरांद विकास परिषद के सदस्य भी गंगा सरयू व सोन के तट पर दर्जनों साधु महात्माओं, सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ रामचरितमानस मुद्रित त्रिवेणी में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। सबसे बड़ी विशेषता यह देखी गई कि पूजा का वेस्टेज व भंडारा के उपरांत पत्तल गिलास आदि को पैक करके चिरांद विकास परिषद के सदस्य अपने साथ ले गए ताकि उसे कचरा स्थल पर फेंक दें। चिरांद विकास परिषद के सचिव सह वरिष्ठ पत्रकार श्री राम तिवारी ने कहा कि हम अपने निर्मल और पावन गंगा को पवित्र व साफ रखने का संकल्प ले चुके हैं। चिरांद विकास परिषद दशकों से गंगा को स्वच्छ रखने और उनको निर्मल बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। छपरा से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। अभी हम खड़ा हैं गंगा सरयू और सोन के मुहाने पर, जो संगम के नाम से विख्यात है। सारण, पटना और आरा के मध्य स्थित यह संगम हर तरह के मनोकामना को पूर्ण करने वाला स्थल है। आज मौनी अमावस्या को यहाँ देखा जाए, हजारों की संख्या में पटना जिला, सारण जिला और आरा जिला से भक्त पधारे हुए हैं और सभी लोग यहाँ स्नान करके यहीं पर दही चूड़ा का भोजन कर रहे हैं। यहाँ माताएं बहने हमारी यहीं पर दही चूड़ा का भोज कर रही हैं और मौनी अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करने से ऐसा माना गया है कि सभी तरह का पाप मिल जाता है, मनुष्य कायिक वाचिक मानसिक पापों से मुक्त हो जाता है। जय जय गंगे। आज हम लोग मौनी अमावस्या प्रकाश के अवसर पर ऐसे त्रिवेणी स्थान पे सारा आरा और पटना जिला को जोड़ती है, हम लोग स्नान करने के लिए मौजूद है और यहाँ पे तमाम भक्त जो कि आस्था रखे हुए अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, वह गंगा और सोन के जो संगम है उस पर स्नान कर रहे हैं और अपना आस्था व्यक्त कर रहे हैं। राकेश कुमार सिंह,